कोलकाता मेडिकल की छात्रा के बलात्कार नृशंस हत्या के विरोध में बिजनौर जनपद के चिकित्सकों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल कर मृतिका को न्याय दिलाने की मांग की है और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल हम आपको बता दें कि 8 तारीख की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल में एक जूनियर लेडी डॉक्टर का रेप हुआ, फिर उसका बहरी में से कत्ल किया गया। इस घटना के विरोध में तमाम डॉक्टर सड़कों पर हैं। स्ट्राइक की है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमारी आईएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो आज हम लोग 17 तारीख को एक डॉक्टर्स ने स्ट्राइक रखी है, जिसमें हम लोगों ने ओपीडी और जो हमारी इलेक्टिव सर्जरी है उनको बंद रखा है। उसका सबका कारण क्या है कि 9 तारीख में आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक हमारी पीजी की छात्रा का पहले बलात्कार होता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है और उसके जो हत्यारे हैं, जो उसका मर्डर करने वाले लोग हैं, वो आज तक भी उनको ना वो अरेस्ट हुए हैं ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, सब ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ की सरकार क्या कर रही है, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके बारे में हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं अपनी जो डॉक्टर्स की स्ट्राइक के माध्यम से कि हम लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं ये किसी शौक में नहीं कर रहे हैं, ये एक मजबूरी है। और जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स पर, चिकित्सक पर काफ़ी हमले भी हो रहे हैं, उनके खुद के नर्सिंग होम में लोग जाते हैं और जरा सी कोई बात होती है उनकी तोड़फोड़ करते हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि चिकित्सक जब भी कोई काम करता है तो हमेशा अपने मरीज के भले में करता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे मरीज की जान जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ अप्रिय होता है तो उसमें डॉक्टर्स अकेले दोषी नहीं है, उसकी कुछ बीमारियां भी, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं। तो इसी के लिए जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमें एक 4 पॉइंट की डिमांड प्रोग्राम दिया है, जो हम अभी अपने डीएम साहब को एक ज्ञापन भी देंगे, लेकिन वो डिमांड क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें हम लोगों का ये है कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मामले में तुरंत कार्रवाई कर दोषियों को अधिकतम सजा दिलाई जाए, डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सभी प्रकार की अराजक घटनाओं से बचाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए, सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है को देश के किसी भी इलाके में काम कर रहे मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने का अधिकार दिया जाए, जो हमारी जो खुद की एनएमसी है नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसको एक अधिकार की डिमांड कर रहे हैं कि वो एक ऐसा उसको कानून बनाने का अधिकार दिया जाए जो कि हमारे सभी चिकित्सकों के भविष्य के लिए अच्छा होगा और उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो ऐसा कानून बने जिससे कि आप लोग भी जब कभी किसी चिकित्सक से चिकित्सा कराने आए तो उसको कभी कोई भय में ना रहे चिकित्सक, वो आपको आगे गलत रेफर ना करें, यही हमारी डिमांड है। धन्यवाद। एक बार पकड़ लो बैनर।